पीजीआई में भी विवादों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब पंडित भगवान दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ की छात्राओं ने विभाग के ही एक चिकित्सक पर परेशान करने और अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए प्रोफेसर राजीव डोगरा के खिलाफ धरना शुरू कर दिया है। छात्रों का आरोप है कि प्रोफेसर अभद्र व्यवहार करते हैं और उनके व्यवहार से सभी छात्राएं परेशान हैं। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर स्टाइपेंड रोकने की भी धमकी देते हैं। छात्राओं ने हंगामा करते हुए आरोपित के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने को कहा है। छात्राओं का कहना है कि प्रोफेसर राजीव डोगरा को सस्पेंड किया जाए, साथ ही छात्राओं ने कहा कि उनकी डिमांड्स भी पूरी की जाए, नहीं तो ये धरना खत्म नहीं होगा। और आखिर में छात्राओं ने कहा कि हमारे एग्जाम या करेक्टर सर्टिफिकेट में आरोपी प्रोफेसर का दखल ना हो। आइए सुनते हैं क्या कहना है यहाँ मौजूद छात्राओं का धरने पे। हमारी कंप्लेंट हमारे एचओडी डॉक्टर राजीव डोगरा के अगेंस्ट है। अभी परसों 3rd of July एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पे हम अपनी थीसिस यानी डिसर्टेशन डिस्कस कर रहे हैं आजकल उनसे, हमने और उन्होंने मिलके डेट्स डिसाइड करी हैं कि एक दिन पे दो दो स्टूडेंट्स जाते हैं और उनसे डिस्कस करते हैं। उसी मामले में 3 जुलाई को वो डिपार्टमेंट में आए, डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, और वहाँ पे उन्होंने एक छात्रा ने जो जिसका डिस्कशन होना था उस दिन, उसने बात करी, उनको ग्रीट किया बहुत अच्छे से, गुड मॉर्निंग सर, और ये पूछा कि सर आप मेरा डिसर्टेशन का काम क्या यहीं देखेंगे ओपीडी में या अपने आईएमएच में बिल्डिंग में देखेंगे अपने ऑफिस में, क्योंकि उनकी ओपीडी सिर्फ 2 दिन होती है, मंडे और सैटरडे, बाकी के दिनों वो अपने आईएमएच में ऑफिस में बैठते हैं। तो हमने ये उस छात्रा ने ये पूछा, इस बात पर वो भड़क गए, उन्होंने वो चिल्लाने लगे, उल्टा सीधा बोलने लगे कि तुम्हें सेंस नहीं है, तुम्हें पता नहीं है तुम्हें क्या बोलना है। एंड देन वो डस्टबिन रखा रहता है वहाँ पे हमारे जहाँ हम बैठते हैं उसके नीचे फ्लोर पे बैठ गए पालथी मार के, और उन्होंने बोला कि आओ यहीं मेरे साथ बैठो और यहीं मेरा लैपटॉप ला के अपना डिसर्टेशन यहीं मुझे दिखाओ। उसके बाद वो 2-3 मिनट तक वहीं बैठे रहे, फिर उसके बाद वो उठे और उसके बाद फिर वो चिल्लाने लगे। जैसे इन्होंने बताया कि हम पे पर्सनल कमेंट्स किए जाते हैं या बहुत इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर रहता है ऑफिस के अंदर। जब हम डिसर्टेशन दिखाने के लिए गए तो वन ऑफ अस एक छात्रा के ने नॉक किया, ग्रीट किया, तो उन्होंने देखा कि ही वो स्मोकिंग इन द कैबिन, ही सॉ द गर्ल इन द कैबिन, ही स्टिल डिड नॉट पुट इट डाउन। तो उन्होंने बोला थोड़ी देर में आना, फिर ये एक बार हुआ तो फिर उसके बाद फिर से हुआ, तो हमें लगा दैट उनको मतलब ये ख़राब नहीं है उनके लिए। ऐसा ही हमें देखा कि ड्रिंकिंग का भी कुछ हमें ऐसा लगता है क्योंकि आईज आर रेड एंड थोड़ा सा गेट ठीक नहीं रहता है उनका जब वो आते हैं। जो हमारी 4 डिमांड्स हैं जब तक वो पूरी नहीं होती हैं तब तक वी आर थिंकिंग टू बी ऑन स्ट्राइक। जो 4 डिमांड्स हैं, पहली है कि उनका सस्पेंशन हो टिल द टाइम, एटलीस्ट टिल द टाइम हमारे एग्ज़ाम्स ख़त्म नहीं होते हैं। सेकेंड हमारी है कि एक एक्सटर्नल इंक्वायरी कमिटी बैठे जो जिसकी इन्फॉर्मेशन हमको एप्रोप्रिएटली रिटर्न मिलती रहे और वो जो सारा प्रोसेस हो वो बहुत ट्रांसपेरेंट। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक कीजिए, और अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब कीजिए। प्रतीक शर्मा के साथ सनी तुशीर की रिपोर्ट।